देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। हाय मैम। ठीक है, देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, लास्ट दिन हम लोगों ने जॉब कॉस्टिंग कंप्लीट कर लिया था। तो देखो पहले हम लोग थोड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में पता कर लेते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। देखो कॉस्टिंग का मतलब एक टेक्निक, ठीक है, जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है वो सारी चीजों का कॉस्ट कैलकुलेट करना जिसपे हमें मतलब जिस जो प्रोसेस से बनता है। देखो प्रोसेस से हर एक चीज ही बनता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस जो है ना वो सब्सिक्वेंटली होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि मेनली जो फूड इंडस्ट्री होता है, सीमेंट इंडस्ट्री होता है, ठीक है, इस तरीके की इंडस्ट्री जहां पर मोर देन वन प्रोसेस का जरूरत होता है, ठीक है, वहां पर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू से जो है प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर मेटेरियल दो या उससे ज्यादा प्रोसेस से आउटफ्लो होगा। मतलब ये देखो, जैसे मान लो कि पहले हम लोगों ने रॉ मेटेरियल सपोज यूज किया, जैसे बेकरी का ही देख लो। ठीक है, बेकरी बिजनेस में देखो, जैसे अगर हम बेकरी वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, देखो फूड इंडस्ट्री में बेकरी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो बेकरी में क्या होता है, जैसे मान लो बिस्किट्स बन रहा है, केक बन रहा है, ठीक है, तो उसमें ना तीन चार प्रोसेस होता है। कैसे? जैसे देखो पहले अगर तुम लोग घर पे भी कभी केक वगैरह बनाते हो या घर पे माँ को भी बनाते हुए देखोगे कभी, तो वहां पर देख सकते हो कि एक एक स्टेप के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे पहले सबसे पहला काम होता है रॉ मेटेरियल लेके आना। ठीक है, तो वो फैक्ट्री में भी होगा। फैक्ट्री में अगर मान लो जो है अगर बिस्किट फैक्ट्री है या केक का फैक्ट्री है, ठीक है, केक बनता है तो उसमें रॉ मेटेरियल के लिए हमें क्या लगेगा, मैदा वगैरह लगेगा। ठीक है, उस केक बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक जो है चीनी यानी सुगर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो भी फ्लेवर वगैरह दिया जाता है, कुछ अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिया जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो सारे रॉ मटेरियल्स को लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर घर घर का ही बात करें, उसके बाद हम लोग जो है जिस चीज को जितने क्वांटिटी में मिक्सडअप करना है मिक्सडअप करके एक बैटर बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसको एक कंटेनर में डाल के जो है हम लोग उसे गैस ओवन या कहीं पर भी, अगर किसी के पास केक ओवन है तो उससे बना सकते हैं। तो हुआ ना तीन चार प्रोसेस। ठीक है, मतलब फूड इंडस्ट्री का बात करें तो तीन चार प्रोसेस के थ्रू से होता है। सिमिलरली फैक्ट्री में भी तीन चार प्रोसेस के थ्रू होगा। पहले एक जगह पे पूरा जो है रॉ मेटेरियल को मिक्सडअप करके बैटर बनाया जाएगा। मान लो उसके लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस ए। मतलब यहाँ पर प्रोसेस ए में क्या होता है, रॉ मेटेरियल से जो है बैटर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद उसी बैटर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कंटेनर में उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे अलग अलग शेप अलग अलग साइज का केक होता है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, प्रोसेस टू मान लो। ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि कितने सारे प्रोसेस में कोई भी मतलब फैक्ट्री बनाता है, सबका अपना अपना होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम बोल रहे हैं, जैसे मान लो पहले रॉ मेटेरियल से बैटर बना लिया, फिर उस बैटर को क्या किया, कंटेनर में जो है अरेंज किया, अलग अलग छोटा छोटा कंटेनर, जो कप केक वगैरह होता है, स्क्वेयर कंटेनर, ठीक है, जो है अलग अलग शेप का कंटेनर में उसे दे दिया गया। तो ये एक हो गया प्रोसेस। ठीक है, फिर प्रोसेस सी मान लो कि जहां पर उस कंटेनर से मतलब वो सारी कंटेनर को ले जाके जो है ओवन में डाला जा रहा है। ठीक है, ओवन में डाला जा रहा है, ओवन से जब बन जा रहा है, एक टाइम लगता है, केक बन गया, उसके बाद केक निकालने के बाद प्रोसेस डी मान लो उसको डेकोरेशन किया जा रहा है। ठीक है, उसको डेकोरेट करेंगे केक को, तो केक को डेकोरेट किया गया। ठीक है, डेकोरेट करने के बाद उसे पैकिंग किया गया। ठीक है, पैकिंग करके उसे जो है सेल करना है, मतलब अब जाके वो फिनिश गुड्स बना। ठीक है, मतलब सेल करने के लिए। अगर पैकिंग को एक बार इग्नोर भी करते हो कर सकते हो, वो तो सेकेंडरी हो गया, फैक्ट्री का काम नहीं है। पैकिंग वगैरह करके उसे जो है सेल करने का सोचा गया। तो ये क्या हो गया, देखो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू से जो है काम कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक बार में नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में हमें फिनिश गुड्स नहीं मिल जाएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये है कि ऐसा मेथड जहां पर ये उस वो सारे इंडस्ट्री में यूज होता है जहां पर मेटेरियल को दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के थ्रू से पास ऑन करना पड़ता है फिनिश गुड्स बनने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये देखो रॉ मेटेरियल प्रोसेस 1 2 3 ऐसे करके फिनिश गुड्स बनेगा। तो मैंने ये बेकरी वाला बोला,
तुम लोग कुछ और भी देख सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि कैसे इंडस्ट्री में ये प्रोसेस के थ्रू से काम होता है, जैसे अगर देखें तो स्टील स्टील का जो फैक्ट्री होता है, ठीक है, तो स्टील जो बनता है ना उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग काफी मतलब एप्लीकेबल इसीलिए क्योंकि उसमें काफी सारे प्रोसेसेस के बाद ही जो है फिनिश गुड्स बन सकता है। इसके अलावा पेपर, ठीक है, जो पेपर बनता है, जैसे पेपर हम लोग जिसमें लिखते हैं ना, तो उसका भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पेपर, मेडिसिन, जो मेडिसिन बनता है उसमें भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही फॉलो करना पड़ता है क्योंकि उसमें भी एक प्रोसेस से नहीं होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं एक्चुअली प्रोसेस ऐसा नहीं है कि यहाँ रॉ मेटेरियल दिया, यहाँ फिनिश गुड्स आ गया। ये अगर होता है तो प्रोसेस कॉस्टिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर कम से कम दो या दो से ज्यादा प्रोसेस का यूज होगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, पेपर, मेडिसिन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, और क्या हो सकता है, जैसे सोप, जो सोप हम लोग यूज करते हैं ना, उस सोप को प्रोसेस करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स में जो है प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर जैसे केमिकल, जो केमिकल्स वगैरह बनता है, ठीक है, केमिकल्स वो भी प्रोसेस के थ्रू से ही बनेगा। रबर, ये सब एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा, रबर। या फिर जैसे वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, पेंट, घर पेंट करने के लिए जो कलर यूज होता है, ठीक है, वो उसका भी जो प्रोसेसिंग होता है ना, मतलब उसमें भी बहुत सारे स्टेप के थ्रू से ही पेंट रेडी होता है। इसके अलावा वार्निश, ठीक है, जो मतलब वुड में पेंट किया जाता है ना, वार्निश बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, वुड अच्छा रहता है, लॉन्गजीविटी होता है उसका, उसमें जो है कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया वार्निश। तो इस तरीके के जो भी इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है जहां पर रॉ मेटेरियल देने के बाद एटलीस्ट टू या मोर देन टू प्रोसेस का नीड होता है फिनिश गुड्स को, मतलब फिनिश गुड्स पाने के लिए, उसमें हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल बात बताया, ठीक है, जस्ट यहाँ पर एक स्टोरी करके बताने का कोशिश किया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तो मीनिंग तो हम लोगों ने अभी देखा ही कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है, अब इम्पोर्टेंस वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग में लिखो, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज वेयर टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्योर इज डिवाइडेड इनटू सूटेबल नंबर ऑफ प्रोसेसेस और ऑपरेशन इन सच ए मैनर दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट process and the output of the last process is the final output.
अब इस बात को हम फिर से एक बार यहां से रिलेट करवा देते जो मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। तो देखो मैंने इंडस्ट्री का एग्जाम्पल पहले ही दे दिया। इस तरीके के इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीड्योर है, जैसे केक बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया जाता है सूटेबल नंबर ऑफ प्रोसेस में। सूटेबल देखो जिसके लिए जो सूटेबल होगा, कोई चाहे तो इस स्टेज को 3 स्टेप पे भी कंप्लीट कर सकता है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरीके से जो है उन्हें ठीक लगता है, वो उतने छोटे छोटे प्रोसेस में जो है अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली मोर देन टू प्रोसेस, टू या मोर देन टू प्रोसेस होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा। तो वही चीज है यहाँ पर, डिवाइडेड इनटू सूटेबल नंबर ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, तो क्या ये जरूरी है कि इतने ही सारे ऑपरेशन हो, जरूरी नहीं, हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो सकता है इतना हो या इससे ज्यादा हो, वो तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि कितने छोटे छोटे पार्ट में उन्हें काम को कंप्लीट करना है। तो वही बोल रहा है, इन सूटेबल नंबर ऑफ प्रोसेस और ऑपरेशन इन सच ए मैनर, इस तरीके से दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो बिकम्स द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। इस बात का मतलब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हम लोग जो रॉ मेटेरियल दे रहे हैं वो हम लोग का इनपुट है, मैंने आइसलेस पी लिखा इनपुट समझाने के लिए। अब जब प्रोसेस ए हुआ, मतलब जब हम लोगों ने बैटर रेडी किया, मतलब सारे रॉ मेटेरियल्स को परफेक्ट क्वांटिटी में मिक्सडअप किया, मिक्सडअप करने के बाद जो बैटर बन गया वो हम लोग का इसका आउटपुट हो जाएगा, इस प्रोसेस का, प्रोसेस ए का आउटपुट हो जाएगा। अब प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वही प्रोसेस बी का इनपुट हो जाएगा, समझो, ठीक है, प्रोसेस ए का वही प्रोसेस ए का आउटपुट ही प्रोसेस बी का इनपुट होगा ना, क्योंकि वो रेडी बैटर ही तो हमें क्या करना है, कंटेनर में जो है अरेंज करके देते जाना है। अब जैसे ही यहाँ पर वो बैटर आता गया, तो यहाँ पर जितने भी, जैसे मान लो कंटेनर है अलग अलग शेप के, ठीक है, उसमें केक को दे दिया गया, मतलब बैटर को दे दिया गया, फिर उस बैटर को ट्रांसफर कर दिया गया ओवन के साइड, ठीक है, मतलब जहां पर ओवन का प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। तो ये जो भी हम लोग का यहाँ पर जो है यहाँ पर बना दिया गया के, मतलब डाल दिया गया जो भी हम लोग का बैटर था, तो ये इनपुट हुआ बैटर लेके उसको सही तरीके से कंटेनर में डाल देना, ठीक है। फिर जब कंटेनर फिलअप हो गया और रेडी हो गया, तो वो आउटपुट जो है वो प्रोसेस सी का इनपुट हो जाएगा, वो आउटपुट प्रोसेस सी में दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओवन में हीट करने के लिए, ताकि केक बन जाए, ठीक है। इस तरीके से इस कंसेप्ट का मतलब यही है कि पहले प्रोसेस का जो आउटपुट है नेक्स्ट का इनपुट, नेक्स्ट का जो आउटपुट है आफ्टर दैट जो नेक्स्ट है उसका इनपुट, फिर उसके बाद इस तरीके से चलेगा, लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वही फिनिश गुड्स होगा, जो लास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है, वही चीज लिखा है देखो। एंड द आउटपुट ऑफ द लास्ट प्रोसेस इज द फाइनल आउटपुट या फिनिश्ड गुड्स, जो चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ द लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वही हम लोग का फिनिश गुड्स हो जाएगा। ये हो गया मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, क्यों प्रोसेस कॉस्टिंग करना जरूरी है, या फिर ये करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हेडिंग कर लेते हैं, द Objective of process costing is, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला है टू ascertain the cost incurred in each process. देखो इस बात का मतलब क्या, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख के समझाएंगे, टू एसर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड इन ईच प्रोसेस। तो प्रोसेस कॉस्टिंग से हमें क्या पता चलेगा कि इस स्टेज में यहाँ पर प्रोसेस ए में कितना कॉस्ट लगा, ठीक है, प्रोसेस ए में कितना कॉस्ट लगा ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपल सा बात है, रॉ मेटेरियल में हम लोगों ने जो भी यूज किया होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, बैटर रेडी कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई लेबर काम कर रहा है, ठीक है, उसको मिक्सडअप कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम लोग का क्या क्या कॉस्ट लग सकता है, रॉ मेटेरियल का कॉस्ट लग सकता है, ठीक है, उसके अलावा लेबर का कॉस्ट लग सकता है, अदर कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, तो जितना भी कॉस्ट लगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, मतलब
पर प्रोसेस पे कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं अगर हम लोग पूरे प्रोडक्शन जो सिस्टम है उसको अगर हम लोग प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का, हम लोग हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग इसको जब मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी हमें यही फॉलो करना है, हम लोग को जितना सारा प्रोसेस बताया जाएगा हर एक प्रोसेस का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बी। टू एब्सॉर्ब द कॉस्ट इनकर्ड अंटिल द एंड ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, क्या करना है, बोल रहा है टू एब्सॉर्ब द कॉस्ट इनकर्ड अंटिल द एंड ऑफ ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के एंड में जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो हमें एब्सॉर्ब करवाना है। अब एब्सॉर्ब ये वर्ड कहाँ पर पढ़े थे हम लोग, ओवरहेड में। ठीक है, एब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स में उस कॉस्ट को चार्ज करना। तो सीधा सा बात है, देखो यहाँ पर जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो कॉस्ट हम लोग का प्रोसेस बी में इनपुट हो जाएगा, फिर यहाँ जो टोटल आउटपुट आएगा इस ये जो है नेक्स्ट में जब इनपुट होगा, फिर इसके बाद ये नेक्स्ट इनपुट ऐसे करके एंड में क्या होगा सारे कॉस्ट को मिला के ही तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट आएगा, तो फिनिश गुड्स में चार्ज कर देंगे हम लोग। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि हम लोग कॉस्ट जो भी इनकट कर रहे हैं अंटिल द एंड ऑफ ईच प्रोसेस, हर एक कॉस्ट को हम लोग हर एक प्रोसेस में ट्रांसफर करते जाएंगे, और वो तो हो भी रहा है। जैसे मान लो ये प्रोसेस ए में हम लोग का 100 रुपीज का कॉस्ट इनकट हुआ, ठीक है, तो 100 रुपीज का जो कॉस्ट इनकट हुआ, अब जब प्रोसेस बी का इनपुट जो है वो 100 रुपीज का ही होगा, मतलब मेरा बात समझने का कोशिश करो, अगर हम लोग प्रोसेस ए में जो भी कॉस्ट इनकट कर रहे हैं उससे हमारे पास जो भी फिनिश गुड्स आ रहा है, जैसे मान लो तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर चुके हो, ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है प्रोसेस ए, मान लो यहाँ पर रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ 100 रुपीज, ठीक है, लेबर का खर्चा हुआ सपोज 50 रुपीज, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हुआ हम यहाँ पर ले लेते हैं 20 रुपीज, तो ये हो गया 170। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ ये ट्रांसफर होगा प्रोसेस बी में, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाई प्रोसेस बी कितना 170। ठीक है, अब प्रोसेस बी का काम क्या है, जब हम लोग प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग 170 का इनपुट ट्रांसफर करेंगे, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस है 170 रुपीज का, और इसको अगर यहाँ पर कोई और एक्सपेंसेस का जरूरत होगा तो वो कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कॉस्ट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस बोल के प्रोसेस भी में 200 का खर्चा हुआ, तो टोटल 370 हो गया, और ये 370 का जो भी अभी आउटपुट बना है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस सी में, तो बाई प्रोसेस सी बोल के 370। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग एब्सॉर्ब करवा रहे हैं जो भी कॉस्ट इनकट हो रहा है एक के बाद एक प्रोसेस में, ये 170 यहाँ एब्जॉर्ब करवाया, फिर ये 370 बन गया, ये 370 फिर यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा डी में, फिर डी का जो खर्चा होगा ई में जाएगा, उसके बाद फिनिश गुड्स में जाएगा, तो हमें कॉस्ट को एक के बाद एक एब्जॉर्ब करवाते जाना है सिक्वेंशियली प्रोसेस में जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाता है, ये बात बोला है, ये पॉइंट का मतलब होता है ये टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट इनकर्ड अंटिल द एंड ऑफ द ईच प्रोसेस। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर सी में लिखेंगे टू एसर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड इन ऑल द प्रोसेस टेकन टूगेदर। क्या बोला है टू एसर्टेन हमें क्या कैलकुलेट करना है कॉस्ट इनकर्ड इन ऑल द प्रोसेस टेकन टुगेदर, सारे प्रोसेस में जितने भी कॉस्ट लगे हैं वो सारे कॉस्ट को भी हमें जो है एक साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो हमें फिनिश गुड्स में ही पता चल जाएगा क्योंकि सारे प्रोसेस का कॉस्ट जाके एट लास्ट तो फिनिश गुड्स में ही इनकर्ड होने वाला है। तो ये जस्ट एक पॉइंट जो है, मतलब जब अगर हमें थियोरिटिकली पूछे कि ऑब्जेक्टिव बताओ तो हमें कुछ तो पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो एक एक पॉइंट को हम लोग जो है इलेबोरेट करके लिख रहे हैं इसमें, और इसमें उतना भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ बोला है एब्जॉर्ब करवाना है लास्ट तक, और यहाँ पर बोला है एसर्टेन भी करना है कि टोटल कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, मतलब चार्ज तो करते जाना ही है और ये भी देखना है कि टोटल अमाउंट कितना बना चार्ज करने के बाद। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हुआ। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
ये एबीसी तीन पॉइंट ही लिख दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर नेक्स्ट जो है पैरा स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन वी एसर्टेन द ट्रू अमाउंट ऑफ कॉस्ट वी आर एबल ठीक है, एबल टू डिसाइड ऐसे लिखते हैं, एबल टू डिसाइड द जस्टिफाइड सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, देखो ये कॉस्ट शीट का ही बात हो गया ना। अगर हम लोग प्रोडक्ट का कस्टमर को जो प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हम लोग को उनको सेलिंग प्राइस में सेल करना है, मतलब प्रॉफिट लगाना है अपने कॉस्ट में। तो कॉस्ट कितना है वो कैसे पता चलेगा? तो अगर हमारा काम प्रोसेस के थ्रू से हो रहा है तो हमें प्रोसेस कॉस्ट पता करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, व्हेन वी एसर्टेन द ट्रू अमाउंट ऑफ कॉस्ट वी आर एबल टू डिसाइड द जस्टिफाइड सेलिंग प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। अगर हम लोग प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है और आफ्टर दैट फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना हो रहा है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर से जस्टिफाइड प्राइस जो है सेलिंग प्राइस वो हम लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखेंगे, एक काम करते हैं इसको ना, पॉइंट नंबर ये पूरा जो है, अगर हमें पूछे कि मीनिंग के लिए इतना बताओ, और अगर पूछे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग तो पूरा बता दो। तो इसको पॉइंट वन कर देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हम टू लिख देते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर थ्री कर देते हैं ऐसे। फिर पॉइंट नंबर फोर में लिखेंगे, with the help of process costing the management may identify the cost importance of on each process। देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब हम लोग का जो इंडस्ट्री है वो ऐसा है जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग का डिमांड हो रहा है उसमें, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो ही हमारे लिए फिनिश गुड्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान होगा, तो हम लोग ऑब्वियसली प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। बोल रहा है आइडेंटिफाई द कॉस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग करने पे हम लोग जो मैनेजमेंट है उनका क्या हेल्प होगा, उनके लिए हर एक प्रोसेस का कॉस्ट इंपॉर्टेंस पता कर पाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉस्ट इंपॉर्टेंस ऑन ईच प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, लोकेट those process where unnecessary high cost is being incurred so that the corrective action may be taken। अच्छा, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लोकेट दोस प्रोसेस, हम लोग बहुत सारे प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे या लोकेट कर पाएंगे वेयर अननेसेसरी हाई कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड। मतलब हम लोग एक प्रोसेस जो है रख रहे हैं
ठीक है, किसी फिनिश गुड्स को रेडी करने के लिए जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, वो अननेसेसरी भी है, तो सो दैट द करेक्टिव एक्शन में भी टेकन. तो अगर कोई प्रोसेस का हमें जरूरत नहीं है या फिर उसपे जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो अगर बहुत ज्यादा है, तो वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे आसानी से अगर हम लोग जो टास्क है उसको प्रोसेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जरूरत पे उस प्रोसेस को हम लोग बंद भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर बंद करके मतलब ऐसा नहीं कि उससे काम बंद हो जाए, ठीक है, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए. ऐसे मान लो कि ऐसा हो सकता है जो केक रेडी कर रहे हैं वही पैकिंग कर लिया, पैकिंग के लिए अलग और मतलब अलग प्रोसेस, अलग जो है सेक्टर जो है प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, इससे हमारा कॉस्ट अगर ज्यादा लग रहा है. और अगर जो मतलब फिनिश गुड्स बना के रेडी कर रहे वही अगर पैकिंग भी कर ले रहे हैं तो हमारा अगर कॉस्ट बच रहा है, मतलब हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तभी तो हम लोग सस्ते में प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे. तो वही चीज बोला है कि हम लोग जैसे हर एक प्रोसेस का कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये जैसे हमें हेल्प होता है. अगर अननेसेसरीली कोई प्रोसेस चल रहा है जिसमें हाई कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है तो वो हम लोग चाहे तो एलिमिनेट कर पाएंगे. ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू काम को कंप्लीट कर रहे हैं, जब हमारे काम का ऐसा डिमांड हो कि हाँ ये काम हमें प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू से ही फुलफिल करना चाहिए. ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा सा इंट्रो हो गया. अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इलास्ट्रेशन वन, जहां पर हम लोग अभी तक जो सीखे उसके बारे में कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे. जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रीपेयर प्रोसेस अकाउंट्स. तो यहाँ पर ना हम लोग लेजर बना के करेंगे. नॉर्मली अभी तक तुम लोग कॉस्ट का जो भी चैप्टर किए हो वहां पर कोई लेजर का कंसेप्ट नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग जो है हम लोग को लेजर बना के करना है. हमें प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि नाम से ही देखो समझ में आएगा, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है. ठीक है, प्रोसेस अकाउंट का मतलब ही तो लेजर बनाना हो गया ना. प्रोसेस अकाउंट बनाना बनाना है इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस. ठीक है, जहां पर हमें हर एक प्रोसेस का कॉस्ट को जो है दिखाना है एंड द टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को दिखाना है. देखो क्या क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट और उसका टोटल कॉस्ट. द टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस वेयर 240 फॉर द पीरियड. ठीक है, मतलब बोल रहा है कि टोटल कितना यूनिट प्रोसेस के थ्रू से गया है, 240 यूनिट गया है. मेटेरियल देखो प्रोसेस वन में ये सब रूपीज है, मतलब कॉस्ट बता रखा है. मेटेरियल प्रोसेस वन में इतने का लगा है, लेबर इतना लगा है, अदर एक्सपेंसेस इतना लगा है, प्रोसेस टू में इतना, प्रोसेस थ्री में इतना. ठीक है, हम इसको ना ड्रॉ करके पहला क्वेश्चन समझाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 85,000 मे बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ये पॉइंट का हम समझाते हैं ये क्या बोल रहा है. ठीक है, ये समझा देंगे, पहले ये ड्रॉ कर लेते. इलास्ट्रेशन वन देखो, तीन प्रोसेस है. अच्छा, प्रोसेस वन इसमें मेटेरियल लग रहा है 1,50,000, लेबर 80, अदर एक्सपेंसेस 26. मेटेरियल 1,50,000, लेबर 80,000 और अदर एक्सपेंसेस 26,000. अच्छा, ये हम लोग को इनपुट देना है. बेसिकली ये प्रोसेस ए जो है, सॉरी प्रोसेस वन लिखा है. ठीक है, ये प्रोसेस वन जो है ये सारे जो आइटम है ये इसका क्या है, ये इसका इनपुट है. ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगा, प्रोसेसिंग चलने के बाद कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट जो है यहाँ जब जाएगा तो इसका इनपुट बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इनपुट और भी दिया जा रहा है, मेटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस. इसका इनपुट तो जाएगा ही, इसका आउटपुट, इसका इनपुट तो होगा ही, वो तो फिक्स है, वो तो होना ही है प्रोसेस कॉस्टिंग में. लेकिन अदर देन दिस इनपुट यहाँ पर ये सब भी इनपुट जाएंगे, जैसे कि मेटेरियल 50,000, लेबर 2,00,000, अदर एक्सपेंसेस 72,000. तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस, ये इनपुट तो जाएगा, प्लस क्या जाएगा, मेटेरियल 50,000, लेबर 2,00,000, अदर एक्सपेंसेस 72,000.
ये इनपुट जाएगा, अब इसका एक आउटपुट आएगा, यहां पर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद इसका एक आउटपुट आएगा, इसका एक आउटपुट आएगा, ये आउटपुट हम लोग का यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनपुट। ठीक है, यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, फिर यहाँ ट्रांसफर होगा, और इसके साथ साथ और भी कुछ इनपुट दिए जा रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस थ्री में, 20,000, 60,000, 25,000, 20,000, 60,000, 25,000, इस तरीके से हो रहा है। 20,000 का मेटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट तो एज ए इनपुट यूज करना ही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा मेटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे ही यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ये इस तरीके से प्रोसेस बनेगा, और उसके बाद फिनिश गुड्स हमें मिल जाएगा। हमें क्या करना है, प्रोसेस वन का, प्रोसेस टू का, प्रोसेस थ्री का, तीनों का कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। बोल रहा है टोटल यूनिट दैट पास थ्रू ईच प्रोसेस पे 240, बोल रहा है कि यहाँ ये तो इनपुट जो है ये रुपीज में दिया है, हर एक आइटम देखो हम लोगों ने रुपीज में लिखा है, क्वेश्चन में रुपीज में ही था, ये भी सब रुपीज है, ये भी सब रुपीज है, तो कितने यूनिट जो है मतलब इनपुट दिया गया यूनिट में, जैसे कि मेटेरियल कितना किलो या लेबर कितने सारे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूनिट क्या दिया है, बोल रहा है 240 यूनिट बोला है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है, मतलब इनपुट का जो क्वांटिटी है, ठीक है, इनपुट का जो क्वांटिटी है वो है 240 यूनिट। ठीक है, तो इनपुट जो है इतने रुपए का, और यूनिट के अकॉर्डिंग जो है 240 यूनिट यहाँ पर इनपुट गया, तो आउटपुट भी कितना आया है वो हमें बोला है, कुछ नहीं बोला है, मतलब जितना इनपुट दिया है उतना ही आउटपुट आया है यूनिट के हिसाब से, तो ये भी 240 हो जाएगा। तो यहाँ भी इनपुट 240, यहाँ आउटपुट अगेन 240, मतलब यूनिट का बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से 240, तो फिनिश गुड्स भी कितने का आएगा, 240। ठीक है, 240 यूनिट इनपुट दिया गया, और ये बात बोला है हर एक प्रोसेस में दिया जा रहा है, तो यही इनपुट आउटपुट हुआ, इसका भी इनपुट 240, इसका आउटपुट 240, तभी तो जाके इसका इनपुट 240 होगा, और आफ्टर दैट फिनिश गुड्स 240, यही बोला है कि हर एक प्रोसेस का जो है 240 करके हमें यूनिट जो है इनपुट दिया गया, और उसका आउटपुट भी हमारा इसका मतलब 240 आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 85,000, ये हमें बोला नहीं है कि 85,000 फॉर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू और प्रोसेस थ्री, लेकिन एक चीज बोला इसे एपोर्शन करना है, तो तुम लोग ओवरहेड पढ़े हो तो वहां पर देखोगे कि एपोर्शन मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। अब क्वेश्चन में हमें बता ही दिया है किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग उसी बेसिस पे करेंगे, तो टोटल 85,000 का जो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे हमें वेजेस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वेजेस बेसिस पे, तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर वेजेस कितना है, 80,000 पहले वाले, दूसरे में है 2 लाख, और लास्ट 60,000। ठीक है, अब इसके बेसिस में करने का मतलब सिंपल इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो जाएगा। ठीक है, या फिर और एक चीज भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था ओवरहेड का बेसिस, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, ये देखो बेटर तो यही होगा कि अगर रेशियो करके करोगे वही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये टोटल के लिए इतना ये सब करने में बहुत ज्यादा झमेला होगा, यूनिटरी में तक सिंपल इसका रेशियो निकालोगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4,4,0 जो है एलिमिनेट कर दो, तो 8 × 20 × 6, तो इसका अगर हम लोग रेशियो करेंगे 4:10:3 में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों प्रोसेस में। ठीक है, ये लाइन का मतलब भी समझ में आ गया। फिर ये लास्ट लाइन बोल रहे देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये जो फिनिश गुड्स बन रहा है, नाम तो दिया नहीं है क्या चीज ये लोग बना रहे हैं, लेकिन इसका ना कोई ओपनिंग स्टॉक है ना कोई क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब पहले से भी पड़ा हुआ फिनिश गुड्स कुछ है नहीं इनके पास, और दूसरा बात है ना तो कोई इनके पास क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब कुछ क्लोजिंग में भी नहीं रहेगा। ठीक है, ना तो फिनिश गुड्स ना तो रॉ मेटेरियल, ठीक है, रॉ मेटेरियल भी तो हो सकता है, तो वही चीज बोल रहा है, तो किसी भी तरीके का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे दिया, वैसे भी क्वेश्चन में अगर होता तो हमें बोल तो देता कि है, तो ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, अगर इनको कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रखना होता तो हमें यहाँ पर बताया जाता ना कि ओपनिंग इतना है क्लोजिंग इतना है, कुछ तो बोला नहीं है, और यहाँ पर जस्ट लाइन
लाइन एड ऑन कर दिया है कि ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। प्रोसेस 1 2 3 तीनों हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझाने के लिए, ठीक है, एग्जाम में ये करना नेसेसरी नहीं है, हम लोग यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो भी करेंगे वो एग्जाम के लिए जरूरी होता है। प्रोसेस 1 अकाउंट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला अकाउंट प्रिपेयर करना है, दैट मींस लेजर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो लेजर जैसे बनता है वैसे बना लेंगे। यहां पर कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, पर यूनिट का कॉलम, टोटल का कॉलम। अच्छा, पर यूनिट यूनिट दोनों ही बना सकते हो। ये देखो यूनिट, पर यूनिट टोटल, ठीक है। और अगर यूनिट और टोटल बनाओगे तो भी चलेगा। लोग अलग अलग तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग को करते हैं, ठीक है। कोई ये दो कॉलम बनाता है, ठीक है, कोई ये दो कॉलम बनाता है, कोई जो है यहाँ पर ये देखो सिर्फ टोटल कॉलम यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। या तो यूनिट और टोटल कॉलम बनाओ, या तो पर यूनिट और टोटल कॉलम बनाओ, या फिर तीनों ही बना दो, ठीक है। तो कोई भी एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यूनिट, पर यूनिट, टोटल। लेजर है तो लेजर में जैसे डेबिट क्रेडिट होता है ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम पूरा लिखवा दे रहे हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन में जाके इतना तो फॉलो करना नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन तुम लोग जब भी एग्जाम में करोगे वहां तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अगर आया नहीं आया तो नहीं करना पड़ेगा, इतने सारे टॉपिक में घुमा फिरा के आता है। तो डेबिट क्रेडिट ये सब लिखना लेकिन तब जरूरी होगा, अदरवाइज जो है मार्क्स कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखो यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 में मेटेरियल दिया गया है 1,50,000 रुपीज का, तो मेटेरियल एक्सपेंस है। देखो एंट्री की तरह सोचो, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं तो प्रोसेस 1 जो है ये हम लोग का क्या है, यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है यानी एक्सपेंस हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट, तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मेटेरियल, ठीक है, मेटेरियल का खर्चा हो रहा है। जैसे हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं ना टू परचेज, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट टू मेटेरियल, मेटेरियल का खर्चा हो रहा है, टू मेटेरियल। अच्छा, हम लोग को दे रखा है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 1,50,000 मेटेरियल का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000। कितना यूनिट जा रहा है, 240। अच्छा, अब यूनिट किस पे अप्लाई करोगे, मेटेरियल पे, लेबर के, लेबर पे, अदर एक्सपेंसेस पे, या तीनों पे? देखो लेबर कभी यूनिट में नहीं होता है, ठीक है। लेबर तो जो है वो तो ह्यूमन बींग है, उनका थोड़ी ना यूनिट होता है। तो जब कुछ यूनिट का बात कर रहा है तो वो मेटेरियल का ही बात कर रहा होगा, क्योंकि लेबर का पेमेंट जो है ना वो आवर्ली बेसिस होता है या यूनिट बेसिस होता है। तो ये जब हमें यूनिट बताएगा ना, सिंपल एक ही यूनिट बताएगा, तो हमेशा उसे मेटेरियल पे एप्लीकेबल करो। मतलब 240 यूनिट परचेज करने का इतना खर्चा हुआ है। जब भी प्रोसेस कॉस्टिंग में हमें इनपुट आएगा तो वो मेटेरियल के रिगार्डिंग ही बता रहा है। फिर यहां पर लिखेंगे लेबर, लेबर हो जाएगा 80,000, जितना है बस एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर अदर एक्सपेंस, और एक एक्सपेंस है ये वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही से कैसे लिखेंगे हम यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं। 85,000 इंटू 4 बाई 4 प्लस 3 7 17, देखते हैं कितना होगा। यहाँ यूनिट पे कुछ नहीं आएगा। अगर पर यूनिट लिखना चाहते हैं हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये पर यूनिट कॉलम कभी फॉलो करते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन में हम तीनों कॉलम करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग यूनिट और टोटल कॉलम ही फॉलो करेंगे, बस उतना ही काफी है। पर यूनिट जरूरी नहीं है, नहीं तो बनाओगे तो फिर से टाइम ज्यादा लगेगा, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो अवॉइड ही कर देंगे, अभी हम करवा देते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 240, तो पता चलेगा पर यूनिट कितना करके परचेज हुआ है, 625, ठीक है। अच्छा,
अब लेबर का देखो, अगर लेबर का भी पर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग, तब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ये थे 80,000 डिवाइडेड बाई, चला गया ये रहा 240, 33.33, ठीक है ये आ रहा है, 33.33 आ रहा है। तो जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, पर यूनिट छोड़ो ये बेकार में, मतलब ये जो है मतलब कॉस्ट पर यूनिट जैसे हम लोग निकालते हैं ना उस हिसाब से, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, यहाँ पॉइंट वगैरह आएगा काफी टाइम लगेगा, जरूरत नहीं है। 240 हो गया सिंपल, यहाँ पर इतना यूनिट और यहाँ पर टोटल कर लेंगे, मतलब पर यूनिट कॉलम का मतलब है सारे कॉस्ट को यूनिट बेसिस पे डिवाइड करना और कुछ नहीं, वो हम लोग वैसे भी करेंगे, हमें जरूरी होगा बताएंगे अभी। देखो 80,000 ऐड कर लेते, कर लिए 26,000, 2,76,000। अच्छा अब ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो आउटपुट आ रहा है ये एज ए इनपुट प्रोसेस टू में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे तो ये पूरा कॉस्ट होने के बाद लिखते हैं ना बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोसेस टू, लिखने से भी होगा बाय प्रोसेस टू, ठीक है ट्रांसफर। अच्छा कितना ट्रांसफर होगा, 240 यूनिट, कॉस्ट 2,76,000, 240 यूनिट, 2,76,000 हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें बोला था प्रोसेस प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट। अच्छा तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट हम लोग कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेते, वो भी जरूरी है। देखो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो 240 यूनिट बनने में कॉस्ट कितना लगा, 2,76,000, ठीक है तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, 2,76,000 कॉस्ट इनकर्ड हुआ फॉर 240 यूनिट, तो एक यूनिट बनने में कितना कॉस्ट लगा वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, 1,150, ठीक है 1,150 रुपीज, 1,150 पर यूनिट, पर यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग ये पर यूनिट कॉलम बनाते हैं तो यहाँ पर टोटल करने पे ही हमें 1,150 मिल जाता, ठीक है टोटल करने पे 1,150 मिल जाता, लेकिन मैंने इस तरीके से निकाला है तो तुम लोग भी ऐसे ही निकालो, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें कॉस्ट पर यूनिट हमेशा निकालना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग का अगर फीचर्स देखोगे, अभी अभी मैंने ये वाला पॉइंट लिखवाया था, टू एसरटेन द कॉस्ट इनकर्ड इन ईच प्रोसेस, ठीक है हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करें, तो वो किया प्रोसेस वन में कॉस्ट इनकर्ड हुआ 2,76,000 एंड पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल लिया कि कितना इनकर्ड हुआ, ठीक है ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ प्रोसेस वन। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस टू, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस टू अकाउंट, यहाँ पर सबसे पहले इनपुट यहाँ से ट्रांसफर लेना पड़ेगा, फिर अगर खुद से कोई इनपुट यहाँ जा रहा है तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो पहले ये लिखेंगे, तो इनपुट आ रहा है तो टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, या फिर टू प्रोसेस वन लिखने से भी होगा, टू प्रोसेस वन, तो यहाँ से कितना यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, 240 यूनिट, ठीक है और कॉस्ट कितना है 1,00,000, ये वाला ये तो रहा 2,76,000। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्या क्या एक्सपेंसेस किया जा रहा है, मेटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस, और टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक ही तरह का डेटा था इसीलिए मैंने लिख लिया इस तरीके से। देखते हैं मेटेरियल कितना है, 50,000, लेबर 2,00,000,
अदर एक्सपेंस 72,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चला गया, 85,000 इंटू 10/17, टेन बाई सेवेंटीन, सेवेंटीन फाइव सा 85 होता है, तो मतलब 5,000 इंटू 10 50,000 हो जाएगा। चेक करके भी देख सकते हो एक बार, और तो कुछ नहीं है। अब इसका टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट में 240 यूनिट मिला और कॉस्ट कितना इनकर्ड हो गया, 50 और 50, 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 72,000 प्लस 3 लाख 72,000 प्लस 2 लाख 76,000, 6,48,000। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रोसेस थ्री में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई प्रोसेस थ्री 240 यूनिट 6,48,000, यहाँ पर टोटल कर लेंगे 240 यूनिट 6,48,000। अब कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, 6,48,000 का कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, टोटल 240 यूनिट उससे प्रोड्यूस हुआ है। टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोसेस थ्री, अच्छा प्रोसेस थ्री में पहले इनपुट लेना पड़ेगा, एक सेकेंड, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट अमाउंट, तो टू प्रोसेस वन, सॉरी टू, ठीक है, टू से ट्रांसफर होगा, 240 यूनिट और 6,48,000। फिर यहां पर जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो लिखना पड़ेगा, मेटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस, अब देखते हैं क्या क्या है मेटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस, 20, 60, 25, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखेंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 85,000 इंटू 3/17, अब इसका टोटल करेंगे 240 6,48,000, 20 और 60, 80,000
25,000, 15,000, 7 lakh, 68,000. बाय, अच्छा अब ये प्रोसेस थ्री ही लास्ट था, ठीक है, प्रोसेस थ्री लास्ट था क्योंकि इसके बाद फिनिश गुड्स मिल जाएगा, तो हम लोगों को फिनिश स्टॉक बोल के या फिनिश गुड्स बोल के लिखना चाहिए। अब तो ट्रांसफर नहीं होगा कि किसी प्रोसेस का नाम लिख दे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई फिनिश्ड। देखो फिनिश स्टॉक भी लिख सकते हैं या फिर गुड्स, ठीक है, दोनों ही चलेगा, इसलिए एक बार मैंने दोनों ही लिखवा दिया, कोई भी एक लिखना है हम लोग को। अच्छा यहाँ पर टोटल लिखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 240 यूनिट और 7,68,000। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट 7,68,000 जो है टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ है डिवाइडेड बाय 240 यूनिट, तो पर यूनिट का कितना होगा? P200, P200 पर यूनिट, ये कॉस्ट हो गया। तो ये एक हम लोग को सिंपल प्रोसेस दिया था कि कैसे करके हम लोग ये अभी हम लोगों ने जो भी लिखा ना उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन एकदम ठीक है कि कैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट निकाला जाता है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा एक पॉइंट को मैच करो, एसर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड इन ईच प्रोसेस, वही तो कर रहे हैं, हर एक प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, यहाँ 2,76,000, यहाँ पर 6,48,000, यहाँ पर कितना इनकर्ड हुआ 7,68,000, और अगर पर यूनिट भी पूछे तो भी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है एब्सॉर्ब द कॉस्ट इनकट अंटिल द एंड ऑफ ईच प्रोसेस, वही कर रहे हैं, ये कॉस्ट हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में इनकट किए, ये देखो यहाँ पर, फिर ये जो कॉस्ट है फिर नेक्स्ट प्रोसेस में इनकट किया और हम लोग को मिल गया फिनिश गुड्स। जब तक फिनिश गुड्स नहीं मिलेगा कॉस्ट एक दूसरे पे एब्सॉर्ब करवाते जाना है, टू एसर्टेन द कॉस्ट इनकट इन ऑल द प्रोसेस टेकन टुगेदर, और तीनों प्रोसेस का जो कॉस्ट है वो हम लोग एक साथ देखेंगे, तो तीनों प्रोसेस का कॉस्ट एक साथ ये वाला 7,68,000। ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गया कि कैसे करके होगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर है नॉर्मल लॉस विथ नो रियलाइजर वैल्यू, तो हम लोग को इसके बारे में पहले समझना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन ये क्या होता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का नेक्स्ट पॉइंट हमें ये समझना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस एंड गेन, तो ये लिखते हैं इसके बाद। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, अच्छा ये डेफिनेशन तो हम लिखवा देंगे क्योंकि थियोरेटिकली भी आ सकता है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि नॉर्मल लॉस का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। देखो कोई भी हम लोग काम करते हैं, अगर हम लोग घर पे ही प्रोसेसिंग का काम देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी केक का एग्जांपल दिया, अगर घर पे ही केक बनाते हो तो कुछ नॉर्मल लॉस होगा, जैसे मान लो कि थोड़ा बहुत चीनी गिर गया, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है हम लोग जब मैदे को जो है वो मतलब क्या कर रहे थे, मैदे को जब हम लोग मान लो कि उससे बैटर बना रहे थे थोड़ा बहुत इधर उधर गिर गया, थोड़ा पानी गिर गया, देखो ये नॉर्मल बात है, कुछ भी काम करने जाओगे कुछ भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं गिरेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हम लोग का इधर उधर गिर जाता है जो कि नॉर्मल बात है, जैसे डेली का खाना बनता है तो उसमें जैसे नमक डालने गए तो थोड़ा सा इधर उधर गैस में गिर गया, तो ये नॉर्मल बात है। एबनॉर्मल बात क्या है, मान लो कि पूरे हाथ से जो है नमक का डब्बा ही गिर गया, ठीक है, और पूरा जो है नमक नीचे गिर गया, तो दैट इज द एबनॉर्मल लॉस, ये तो एक्सीडेंट हो गया ना, वो तो रोज रोज नहीं होता है, हाँ थोड़ा सा इधर उधर गिर जाना वो तो होता ही है, फिर हम लोग उसे नीट एंड क्लीन कर देते हैं, तो कोई ऐसा इंसान थोड़ी ना है कि उसे थोड़ा भी कुछ नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। और भी नॉर्मल लॉस देखो, जैसे
मान लो घर पे मिक्सर ग्राइंडर होगा, वहां पर अगर हम लोग कुछ भी चीजों को जो है ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो या फिर जो है वेट इंग्रेडिएंट्स हो, तो हम लोग कितने भी अच्छे से वहां से मतलब ग्राइंड करने के बाद वो जो भी हम लोगों ने ग्राइंड किया है वो क्यों ना कोई कंटेनर में निकालना चाहे, पूरा नहीं निकाल सकते, वहां पर थोड़ा बहुत लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो ये जो है ये नॉर्मल लॉस है, ये हम लोग किसी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, प्रोसेस करने के टाइम पे जो नॉर्मली लॉस होगा उसे हम लोग नॉर्मल लॉस बोलेंगे, मतलब जो हम लोग किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर इसका थोड़ा सा हम लोग और भी ब्रॉडर सेंस में एग्जांपल दे, एज नॉर्मल लॉस का मतलब है इस तरीके का लॉस जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जिसपे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हो कि नेचर का जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में तो हम लोग चल नहीं सकते। जैसे देखो कि अगर किसी का नेफ्थोलिन का काम है, ठीक है, अगर कोई नेफ्थोलिन यूज कर रहा है किसी भी चीज में, तो नेफ्थोलिन हमें पता है इवापोरेट हो जाएगा, है ना, जो जब भी वो मतलब जो है हवा के साथ वो आएगा टच में, तो वो इवापोरेट होता जाएगा, वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी का फ्लावर का बिजनेस है, ठीक है, फूल, तो फूल क्या होता है कुछ दिन बाद वो तो खराब होते जाते हैं, पेरिसेबल है, ठीक है। किसी का फिश का बिजनेस है, ठीक है, किसी का ग्लास का बिजनेस है, तो सबको पता है कि अपने बिजनेस का नॉर्मल लॉस क्या है, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं उसका नॉर्मल लॉस नहीं, जैसे अगर तुम लोग कहीं पर जाके खाना वाना खा रहे हो, जैसे मान लो तुम लोग कहीं पर जाके जो है फुचका ही खा रहे हो, तो उस फुचके वाले का भी जो है कुछ ना कुछ तो नॉर्मल लॉस है, देते कि ये एक गिर गया, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि सारा ही गिर देगा, लेकिन हो सकता है एक आधा गिर गया, तो वो तो नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। जैसे कोई जहां पर अगर जाके तुम लोग मान लो कहीं पर भी चाउमिन खा रहे हो, ठीक है, जब वो चाउमिन को देखोगे, ये सब बात हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग आसानी से रिलेट भी कर पाओगे, जैसे मान लो चाउमिन को जब वो मिक्सडअप करता है तो देखोगे जो पैन में मिक्सडअप कर रहा है बाहर कितना चाउमिन गिरते जाता है, तो वो उसका एबनॉर्मल लॉस नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस का हिस्सा है। जब वो उस तरीके से उसको मतलब टॉस कर रहा है, मिक्सअप कर रहा है, तो इधर उधर जो गिर रहा है ना वो प्रोसेस का हिस्सा है, उस तरीके से ही वो रेडी किया जाता है तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, ठीक है, वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का मतलब मान लो पूरा ही कंटेनर उसने पलट दिया और पूरा गिर गया, दैट इज द एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में यही डिफरेंस है, नॉर्मल लॉस मतलब जो प्रोसेस का हिस्सा है जो हम लोग रोक नहीं सकते, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो हमारे मतलब मिस यूज के वजह से, या फिर बोल सकते हो कि अगर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया तो जो लॉस होता है दैट इज द एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लो किसी का ग्लास का बिजनेस है, मतलब कांच की चीजों का, ठीक है, अब उसको पता है भाई अगर हम एक पेटी माल मंगवाते हैं तो मान लो मेरा पांच, अगर मान लो यहाँ पर फ्लावर वासेस मान लो बेचता है कांच का, तो मुझे पता है कि पांच मंगवाते हैं तो एक मेरा टूट ही जाता है, तो वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन पूरा पेटी में जितने सारे फ्लावर वासेस थे सारे ही टूट गए, तो वो ऑब्वियसली एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, तब वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होगा और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अभी तो मैंने सब बस समझाया कि नॉर्मल लॉस है क्या, अब ट्रीटमेंट भी बताएंगे। पहले लिख लो नॉर्मल लॉस क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ लॉस विच इज एस्टिमेटेड इन इन एडवांस, ठीक है, एस्टिमेटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट सच एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड एट द सच एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ
रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रैकेट में लिखो स्क्रैप, ठीक। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ लॉस विच इज एस्टिमेटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब सभी को पता है अपने बिजनेस में, जैसे जो चाउमिन बना रहा है ना, उसे पता है कि कितना गिरने से उसका नॉर्मल लॉस, उसे पता है। तो जब ऐसे टॉस करके मिक्सअप करेगा तो थोड़ा थोड़ा गिरता जाएगा, ठीक है। मतलब उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, सभी को अपने बिजनेस का पास्ट एक्सपीरियंस होता है, सभी को पता होता है कि मेरा ये काम करने में इतना तो लॉस होता ही है, ठीक है। इसीलिए जैसे जो जो मान लो फिश का बिजनेस करते हैं, क्योंकि फिश जो है जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, तो उनको भी पता है कि फिश कितने दिन तक ठीक रहेगा, कितना फिश खराब हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस से पता है। हाँ भाई, इतना तो मेरा डैमेज जो है मुझे मतलब मानना ही पड़ेगा, ये तो होता ही है। इट इज रिकॉर्डेड ऑन द, अब लिखा है कि कैसे हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड प्रोसेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? देखो एंट्री देखो, नॉर्मल लॉस, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। कौन से प्रोसेस में हुआ? मान लो प्रोसेस वन में हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो टू प्रोसेस वन। अब प्रोसेस वन में जब हम लोग इसे पोस्ट करेंगे तो कैसे पोस्ट करेंगे? बाय नॉर्मल लॉस बोल के। और ये कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड। इसीलिए लिखा है इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। फिर क्या लिखा है? सच एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो मैंने तो बता दिया यहाँ पर होगा, लेकिन हमें एंट्री दो कॉलम में करना है, एक यूनिट में एक अमाउंट में। हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना यूनिट जो है लॉस हुआ है। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि कैसे ये हमें मतलब कितना परसेंट जो है नॉर्मल लॉस है, तो उतना लिख लेंगे। अमाउंट कैसे रिकॉर्ड होगा? बोल रहा है रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब देखो, जो नॉर्मल लॉस हो गया है वो तो और फिनिश गुड्स नहीं बनेगा, जो लॉस होके चला गया वो तो, जैसे मान लो चाउमीन बना रहा था जो साइड में गिर रहा है, वो थोड़ी ना वो कस्टमर को देगा, वो तो पड़ा हुआ ही रहेगा, ठीक है। अब क्या कर सकता है? देखो अब वो मान लो जैसे जो मतलब रोज बना रहे बहुत सारे कस्टमर के लिए, अब वो पूरा चारों साइड में जमा हो गया, ठीक है, बहुत सारा मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते काफी ज्यादा जमा हो गया। अब वो चाउमीन तो मार्केट में सेलेबल नहीं है, तो ये एग्जांपल छोड़ा, हम कुछ और एग्जांपल लेते, ये अच्छा नहीं लगेगा सुनने में कि ये वो गिरा हुआ चाउमीन किसी को बेच दिया। जैसे देखो जो भी फ्रूट जूस निकालते हैं, ठीक है, फ्रूट जूस का जो बिजनेस करते हैं, तो वो जब जो भी फ्रूट का डिमांड होता है, लाइक जैसे ऑरेंज जूस हो गया, ठीक है, मैंगो जूस हो गया, तो उसका जो मतलब जूस निकालने के बाद जो स्क्रैप रह जाता है, कोई भी फ्रूट्स का जो स्क्रैप रह जाता है, मान लो मार्केट में वो सेलेबल है, ठीक है, वो कैसे सेलेबल है? मान लो सोप वूप बनाने में काम आ जाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, हम नहीं बोल रहे काम आता है, मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो हम जस्ट एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ये फिर भी अच्छा लगेगा सुनने में। तो मान लो ये ऑरेंज का जो भी निकल के आ रहा है, जो भी मतलब छिलका वगैरह, ठीक है, वो मान लो कुछ कॉस्मेटिक बनाने में कंपनियां खरीद ले रही है, ठीक है, कि उसको हम लोग अपने हिसाब से प्रोसेस करके बनाएंगे, तो वो जो है खरीद रही है, तो मार्केट में वो चीज जो है बिक जा रहा है, लेकिन वो जो बिक रहा है वो तो स्क्रैप के वैल्यू में बिकेगा ना, जूस जिस प्राइस में बिकेगा उस प्राइस में थोड़ी ना वो स्क्रैप बिकेगा, नहीं बिकेगा, ठीक है। या फिर मान लो मतलब ये थोड़ा सा एग्जांपल मुझे चेंज करना चाहिए, जो छिलका वगैरह है वो नहीं बेचने का बात कर रहे, जैसे मान लो कि जो भी ऑरेंज वो इकट्ठा करते हैं जूस निकालने के लिए, उसमें एक आधा ऑरेंज हो सकता है सड़ गया, वो नॉर्मल बात है ना, फ्रूट है, सड़ ही सकता है। मान लो अगर घर पे भी 10-15 ऑरेंज लेके आते हो, उसे नहीं यूज कर रहे हो, तो एक आधा खराब निकल ही सकता है, नॉर्मल बात है। इसके लिए हम लोग फ्रूट सेलर को जाके झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है फ्रूट्स है, ये सब होते जाता है, ठीक है। अब सारा ही खराब निकल गया तो जाके जरूर झगड़ा कर सकते हैं। तो फिर ये क्या होगा? तो जो एक आधा खराब हो रहा है, मान लो वो कम प्राइस में बिक जा रहा है, ठीक है, तो वो बेच दे रहे हैं, फ्रूट जो फ्रूट जूस बनाते हैं वो बेच दे रहे हैं किसी को, ठीक है, कोई परचेस अगर करता है मार्केट में बेच दे रहे हैं, तो वो जो लॉस हो गया, जो सड़ा हुआ जो ऑरेंज था उसको बेच के जो कमा लिया, ठीक है, वो रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो कोई अगर 10 ऑरेंज जो है परचेस किया है, ठीक है, उसमें से 2 ऑरेंज जो है उसका नॉर्मल लॉस होता है। अब ये 2 ऑरेंज जो है उसने जितने में भी बेचा, अब ये 10 ऑरेंज मार्केट में मान लो वो बेच देता है 20 रुपए पीस करके, यानी 200 रुपए कमाता है, लेकिन ये जो
खराब हो गया था, उसको जब वो बेचने गया तो उसे कितना मिला, मान लो 5 रुपए करके मिला, तो 5 रुपीज इज द रियलाइजेबल वैल्यू, जितना मिल रहा है। तो हमें नॉर्मल लॉस को इस रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ये चीज यहाँ पर बताया है कि नॉर्मल लॉस को हम लोग कैसे अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दिखाएंगे। तो ये प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, यूनिट तो हमें क्वेश्चन बता देगा, रियलाइजेबल वैल्यू भी बता देगा, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि क्यों रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो खराब हो जाएगा जो फ्रूट या फिर थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हो गया है, उसको नॉर्मल रीजन से, ठीक है, नॉर्मल रीजन से डिफेक्टिव हो गया, उसको जब हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर सेलेबल है तो जिस अमाउंट पे सेल कर रहे हैं उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दैट इज द रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर जिसे हम लोग बोलेंगे स्क्रैप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग पहले नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हमें एबनॉर्मल लॉस समझने में आसानी होगा, क्योंकि इसके बाद एक हम लोग का क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन, नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू, मेटेरियल इशूड टू प्रोसेस वन अमाउंटेड टू 40,000, वेजेस 30,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेयर 27,000। नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन को पता होता है कि कितना उसका नॉर्मल लॉस होने वाला है, बस 5% ऑफ इनपुट, जो इनपुट देंगे उसका 5% लॉस होता है। 4750 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड, बोल रहा है 4750 आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ एंड ट्रांसफर आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस वन, एंड ट्रांसफर्ड आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस वन, प्रोसेस वन से ये आउटपुट ट्रांसफर होके आया, ट्रांसफर करना है कहां पर, प्रोसेस टू में, ट्रांसफर्ड करना पड़ेगा प्रोसेस टू में, ठीक है। देयर वेयर नो ओपनिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इनपुट रॉ मेटेरियल इशू टू प्रोसेस वन वेयर 5000 यूनिट, इनपुट 5000 यूनिट दिया गया था। स्क्रैप हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब जो भी स्क्रैप अगर कुछ भी होता है तो उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, मतलब मार्केट में सेलेबल नहीं है। जैसे कि डिफेक्टिव ऑरेंज अगर मार्केट में नहीं बिकता है तो नहीं बिकेगा, ठीक है, तो फिर उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू है नहीं। अगर कोई मार्केट में परचेजर होगा, किसी का नीड होगा, तभी वो खरीदेगा, नहीं तो क्यों खरीदेगा। अगर मार्केट में उस चीज का डिमांड नहीं है तो हमें फेंकना पड़ेगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, तो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, ये सारी चीज हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे प्रोसेस वन अकाउंट। देखो क्या बोल रहा है, मेटेरियल इशूड हुआ है 40,000 और यूनिट कितना है 5,000, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। रॉ मेटेरियल जो इशू हुआ है प्रोसेस वन में वो 5,000 यूनिट हुआ है, तो मैंने पहले भी बोला था यूनिट को हमें रॉ मेटेरियल के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रॉ मेटेरियल, यूनिट में लिखेंगे 5,000 और अमाउंट में लिख लेंगे ये देखो 40,000, वेजेस 30,000। ओवरहेड, इसके बाद ओवरहेड बोला है 27,000, अच्छा, और क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, और बोल रहा था यहाँ पर 5% नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस का एंट्री क्या होता है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन। अभी अभी मैंने पढ़ के समझाया ना कि नॉर्मल लॉस हम लोगों का लॉस है, तो ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, कहाँ हो रहा है, प्रोसेस वन में हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। अब कितना यूनिट है, इनको पता है कि इनके बिजनेस में 5% ऑफ इनपुट, ठीक है, जो इनपुट देंगे उसका 5% लॉस हो जाएगा। इनपुट कितना दिए हैं 5000 यूनिट, अब इसका 5% अगर लॉस होगा तो कितना होता है, कैलकुलेट करने से पता चलेगा, 5000 इंटू 5% 250 होगा शायद, हाँ 250,
रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं है तो ये जीरो हो जाए, मतलब जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे तुम लोग लिखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू होता, मान लो इसका रियलाइजेबल वैल्यू 2 रुपीज करके होता, तो हमें इसको एट द रेट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ता। लेकिन क्योंकि मार्केट में इसका कोई सेलेबल वैल्यू है नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे खाली रखेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं तो कैसे लिखे, अगर होता तो हम लोग लिख देते, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि नॉर्मल लॉस इतना हो गया, अब बोल रहा है इतना आउटपुट मिल रहा है और जो प्रोसेस वन से ट्रांसफर हो जाएगा, आउटपुट लिखेंगे। देखो आउटपुट हम लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5000 यूनिट में अगर 250 यूनिट लॉस हो जाएगा तो आउटपुट कितना यूनिट मिलेगा, 250 माइनस 5000, मतलब 5000 माइनस 250, ये पहले लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिख लिया 4750, ये देखो 4750, और यही हम लोग को यहाँ पर दे भी दिया है, तो हम लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में जाएंगे तो ये हमें नहीं भी दे सकता है, हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे ना। 5000 इनपुट दिया, ये देखो इनपुट दिया 5000, ठीक है। अब यहाँ पर जब प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ तो लॉस हो गया हम लोग का 250 यूनिट, तो फिर आउटपुट कितना आएगा, 4750, ठीक है। आउटपुट हम लोग का 4750 आएगा, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 57 और 40, मतलब ये हो गया 97000। बोलो किछु बोल पे বাই দিয়ে কিছু লিখতে হবে নাকি? ও হ্যাঁ 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 লিখতে তো হবে, লিখতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ বলো কি লিখতে হবে, বলো কে লিখি নি আমরা, এটা কোথায় ট্রান্সফার হবে সেটাই লিখবো, কি লিখতে হবে জানো, প্রসেস টু, হ্যাঁ বাই প্রসেস টু লিখতে হবে, হ্যাঁ লিখতে তো হবে। আচ্ছা বাই প্রসেস টু লিখনা পড়েগা, ঠিক আছে। আচ্ছা আব দেখো ये तो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, और क्या कैलकुलेट करने बोला, प्रोसेस वन अकाउंट बन गया। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जीरो, ठीक है। पूछा है तो इसको अगर देखो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेना वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ तो निकाला ही था, अभी हम बोल सकते हैं, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इक्वल टू, ऐसे लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट लॉस इनटू स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, ठीक है। क्योंकि यहां पर जीरो है तो जीरो हो जाएगा, 250 इंटू जीरो तो 250, सॉरी देखो 250 लिख दे रहे थे गलती से, नील, ठीक है कुछ नहीं। अच्छा अब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर कितना होगा, अगर हम लोग 5000 से 97000 डिवाइड कर देंगे गलत हो जाएगा, ठीक है हम दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ बोला है एंड यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू ये 4750, ये तो हमें पता ही है। हम लोग यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट। देखो पहले इस चीज को ना समझाते, फॉर्मूला तो हम लिख ही देंगे। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का 97000 का खर्चा हुआ इस प्रोसेस में, ठीक है सही बात है। अब हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि एक एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ, अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 5000 कर देते, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने सोचा कि हमारा 5000 यूनिट हम लोगों ने जो है प्रोसेस में दिया, तो हम लोग का जो भी खर्चा आया वो 5000 यूनिट के लिए आया, बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या होगा, 97000 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये हो गया 19.4। हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं 19.4, लेकिन ये तो हम लोग का आउटपुट यूनिट नहीं है, हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जितना प्रोड्यूस हुआ तो प्रोड्यूस तो इतना हुआ, उसमें से तो इतना लॉस हो गया, तो मेरा कॉस्ट जो है वो कितने यूनिट पे कैलकुलेट होना चाहिए, कॉस्ट तो मेरा इतना ही लगा, कॉस्ट मेरा इतना ही लगा, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट आया वो है इतना यूनिट, 4750। अब डिफरेंस देखो, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये क्या 97000
डिवाइडेड बाय 4750, ठीक है, ये आ गया 20.4, 20.4, ठीक है। अब डिफरेंस समझो, यही क्यों लिखना है, ये क्यों नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हर एक प्रोसेस से हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है सही तरीके से, ताकि हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर पाए। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि मेरा कॉस्ट है 19.4, जो कि कम दिख रहा है क्योंकि 5000 से डिवाइड है, ये आ रहा है 20.42, जो कि ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 4750 से डिवाइड है, तो कम यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ रहा है, ज्यादा यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पर यूनिट का कॉस्ट कम हो रहा है। अब यही वाला क्यों लेना है, क्योंकि देखो हम लोग जब सेल करेंगे तो हम लोग 5000 यूनिट तो सेल नहीं कर सकते, हम लोग कितना यूनिट सेल करेंगे, 4750 यूनिट ही सेल करेंगे अगर इसके आगे कोई लॉस नहीं होता है तो। एक बार मान लेते हैं कि अगर हम लोग 4750 यूनिट सेल करने के लिए केपेबल है, तो हमें अपना जो सेलिंग प्राइस है वो डिसाइड कैसे करना पड़ेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लो प्रॉफिट हम लोगों ने सोचा है 10 रुपीज, कॉस्ट 20.42 लगाते हैं तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आएगा 30.42, ठीक है, और ये लगाएंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 29.4, ठीक है, 29.4। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये सेलिंग प्राइस लगाने से ही तो अच्छा है, कम है ये ज्यादा है, लेकिन हम लोग का तो लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि हम लोग 5000 यूनिट तो बेच ही नहीं सकते हैं, ठीक है, हम लोग 5000 यूनिट बेच ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग के पास तो 4750 यूनिट है, मतलब बेसिकली जो सेलेबल है, जो भी सेलेबल कंडीशन का आउटपुट है उसको बेचने के लिए, उसको प्रिपेयर करने का कॉस्ट हम लोग का 20.42 करके लग रहा है, ना कि 19.4 करके लग रहा है। अगर 5000 का 5000 यूनिट आउटपुट मिल जाता तो बात सही था, तो अगर हम लोग इसको 19.4 मतलब प्रॉफिट लगा के बेच रहे हैं ना, 29.4, ये हम लोग का अंडर प्राइस हो जा रहा है, गलत हो रहा है। कॉस्ट को हमें रिकवर करना पड़ेगा ना, तो हम लोग का कॉस्ट जो है भले ही 10 रुपीज प्रॉफिट है, वो बात छोड़ो, 10 रुपीज तो प्रॉफिट मैंने लिख दिया, अगर हम लोग 1 रुपीज भी लिखेंगे तो हम लोग का देखो, अगर हम लोग 10 के जगह 1 लिख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा पता है, ये देखो ये हो जाएगा 21.42, और यहां पर अगर 1 रुपीज लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 20.4, ठीक है। तो ये हम लोग का प्राइस क्या हो गया, मतलब वहां मैंने 10 लिखा बोल के शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर हम लोग 1 रुपीज प्रॉफिट का सोच रहे हैं, इस प्रोडक्ट को मार्केट में 1 रुपीज प्रॉफिट में बेच सकते हैं, तो अगर हम लोग ये ले लेंगे तो हम लोग का प्राइस देखो 20.4 हो गया, यहाँ पर कितना आ रहा है 21.42, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉस्ट को रिकवरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि 250 तो हम लोग कभी सेल ही नहीं कर पाएंगे, वो तो हम लोग का नॉर्मल लॉस में चला गया। तो अगर हमें सेल करना है तो हमें 4750 सेल करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट देखना पड़ेगा, और अगर हम लोग 250 सेल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग का ये कॉस्ट कम हो जाएगा, ये कॉस्ट तो कम नहीं होने वाला। तो इसीलिए हम लोग जब भी कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी बताएंगे क्या होता है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, टोटल इनपुट यूनिट, ऐसे लिखो टोटल इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, अच्छा, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो ये पूरा चीज लिखना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट है 97,000, ये कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है, देखो 97,000 का मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ठीक है, इसको हम किसी भी हालत में कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेरा तो नॉर्मल लॉस हुआ है, अगर वो थोड़े बहुत प्राइस में भी मार्केट में भी बिक जाता तो मेरा कॉस्ट जो है कम हो जाता। ये चीज मैंने तुम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी सिखाया था, ठीक है, कि अगर हम लोग का कुछ सेल हो जाता है स्क्रैप तो उससे हमारा कॉस्ट जो है थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यहाँ जीरो हो जाएगा, लेकिन जहां पर सेलेबल वैल्यू होगा वहां तो माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू चेंज होगा ना, इसीलिए मैंने फॉर्मूले के लिए ये लिखवा भी दिया, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट। हम लोगों ने 5000 यूनिट जो है दिया था इनपुट, लेकिन उसमें से लॉस हो गया है 250 यूनिट, तो इसका मतलब हम लोगों का एक्सपेंस कितना हुआ टोटल 97,000 प्रोसेस वन में, और आउटपुट कितना मिला 4750, ये देखो 4750 हम लोग को क्या मिला, आउटपुट मिला, ठीक है। तो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जा रहा है 20.42,
पर यूनिट, ठीक है, ₹20.42 पर यूनिट, ये हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला है कि यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, तो यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू लिख सकते हो यहाँ पे, यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू इज 4750 यूनिट एंड वैल्यू, वैल्यू भी लिख देते हैं, वैल्यू मतलब रुपीज में, वैल्यू कितना हो रहा है 4750 इंटू 20.42, ठीक है। अब क्या करना है देखो, मतलब ये मैंने 20.42 क्यों किया, क्योंकि इसका कॉस्ट तो हमारा 20.42 करके आया ना, अभी प्रूफ करते हैं। देखो 4750 ये मैंने डिवाइड ही कर रखा था 20.42, ये पूरा डेटा कैलकुलेटर में लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर तुम लोग सिर्फ 20.42 लोगे तो जो है कैलकुलेशन मैच नहीं होगा, अभी समझा देते हैं। ये देखो यहाँ पर 4750 कर लो, 97,000 आ गया, लेकिन इसी को अगर तुम लोग ऐसे करोगे 4750 इंटू 20.42 तो वैरी कर जाएगा 96,995, 5 रुपीज का जो है मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, 5 या फिर कितना हो रहा है जो भी हो, तो 5 रुपीज का या जितना मिसमैच हो रहा है उतना हो जाएगा, दिखाते हैं कितना मिसमैच हो रहा है, 5 रुपीज का हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर ले रहे हैं, लिखने के टाइम पे ऐसे लिखो अलाउड है, ठीक है, उसके लिए तुम लोग को पूरा इतना सारा डेटा लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब कैलकुलेट करोगे प्रोसेस कॉस्टिंग के हर एक जगह पे ये नेसेसरी होगा, जब कैलकुलेट करोगे तो पूरा डिजिट को लेके करना है, तब करना है जब हम लोग का बहुत सारा ऐसा डिजिट जा रहा है, ठीक है, जब हम लोग का राउंड में आंसर आ रहा है तब तो जरूरी नहीं है, तब क्यों करें, लेकिन जब हम लोग का 0.42 के बाद लगातार कुछ डेटा चलते ही जा रहा है, ठीक है, तब हम लोग पूरा डेटा लेके करेंगे, तभी हम लोग का वैल्यू मैचअप होगा। तो इसका मतलब प्रोसेस टू का जितना भी यूनिट है वो जो ट्रांसफर होने वाला है वो है 4750 यूनिट और उसका कॉस्ट है 97,000। तो हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट भी निकाला और यहाँ पर ये वाला भी कैलकुलेट किया। अब ये डिवाइड माइनस क्यों करना है वो भी मैंने समझाया, क्योंकि अगर हम लोग का कुछ स्क्रैप बेच के आ जाएगा तो हम लोग का कॉस्ट कम हो जाएगा, और ये पूरा खर्चा करके एक्चुअली जो आउटपुट मिला वही तो हम लोग सेल कर सकते हैं, तो इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स निकाल रहे हैं, तो फिनिश गुड्स तो 4750 है, 5000 है नहीं, तो 20.42 होगा। अच्छा, ये हम लोग का गया नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट, तो आई होप कि नॉर्मल लॉस में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने पूरा नॉर्मल लॉस अच्छे से ही समझा है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस जैसे मैंने बोला कि अगर मिसमैनेजमेंट होता है जो हम लोग पहले से, पहला बात है डिटरमाइन कर नहीं सकते, ठीक है, और केयरलेसनेस के वजह से जो हम लोग का लॉस होगा बिजनेस में, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस के बारे में हम लिखवा देते हैं, एबनॉर्मल लॉस का मतलब है इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड इज मोर देन द लॉस expected, this one is small letter, क्या लिखा मैंने, इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड इज मोर देन द लॉस एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग, the excess loss is known as abnormal loss, ठीक है, यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। हम लोगों का एक एंटिसिपेटेड लॉस होता है, ठीक है, हमें पता होता है कि हमारे बिजनेस में कितना लॉस होने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो उसे हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। जैसे अगर हम फ्रूट सेलर है, ठीक है, मुझे पता है एक पेटी में अगर 15 जो है 15 पीसेस ऑरेंज होता है, तो मुझे पता है कि एक जगह से दूसरे जगह आते आते, जैसे मान लो ऑरेंज जो है नागपुर में अच्छा मिलता है, मान लो नागपुर से वेस्ट बंगाल आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो खराब होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि एक भी ऑरेंज खराब नहीं होगा, हमें पता है हर एक पेटी में कम से कम दो दो ऑरेंज खराब निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि
टोटल जो है 10 पीसेस खराब निकल रहे हैं और 5-5 पीसेस ही अच्छे निकल रहे हैं, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ, मतलब ये तो क्या हो गया, उसने ठग लिया होगा जिसने सेल किया, ठीक है, तो इसीलिए इतना ज्यादा खराब है, खराब चीज दे दिया है, नहीं तो नॉर्मली 1 या 2 पीस खराब होता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि इफ एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड इज मोर देन द लॉस एक्सपेक्टेड एट द बिगिनिंग, द एक्सेस लॉस इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस, इट इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड में ही जाएगा, क्यों, देखो एंट्री वही होगा हम लोग का, नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस था, अभी एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 जो भी होगा, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट होगा, तो जब हम लोग उसे पोस्ट करेंगे, ये देखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट होगा, तो जब हम लोग उसे पोस्ट करेंगे टू प्रोसेस सपोज 1, ठीक है, तो जब हम लोग प्रोसेस 1 में उसे पोस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाय एबनॉर्मल लॉस, तो वही हुआ ना, क्रेडिट साइड में ही जाएगा, तो वही चीज लिखवा रहे हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड एट द अमाउंट विच इज computed below, ठीक है, हम दिखाते कैसे करके कैलकुलेट, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। अच्छा, ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट क्या है, हम समझाते हैं, जैसे देखो ये क्या है, ये है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल मतलब जो हमारा फिनिश गुड्स बन सकता है, दैट इज द नॉर्मल आउटपुट, ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ये होता है, तो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस को इसके बेसिस पे जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे एबनॉर्मल लॉस को, जैसे नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो स्क्रैप वैल्यू है उसके बेसिस में करते हैं, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोड्यूस किए हैं उसका पर यूनिट का जो कॉस्ट है, गुड यूनिट का जो पर यूनिट का जो कॉस्ट है उसी पे हमें उसको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसका वैल्यूएशन उस पे करना पड़ेगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, देखो कैसे होगा। अच्छा, ये और एक क्वेश्चन रह गया था, नॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, ये भी कर लेंगे, एबनॉर्मल लॉस कर रहे हैं तो ये कर लेते, फिर वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे। बोल रहा है ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू थ्री प्रोसेस, सॉरी पासिस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, अच्छा मेटेरियल इशू टू प्रोसेस 1 अमाउंट टू 40,000, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग ओवर इट, ये दे दिया है, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, डेटा भी सेम है, नॉर्मल लॉस 5%, 4550 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, देयर वेयर नो ओपनिंग स्टॉक इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 वेयर 5000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, यहाँ फुल स्टॉक है, इनपुट रॉ मटेरियल जो इशू किया गया है प्रोसेस 1 में वो 5000 यूनिट है, स्क्रैप हैज रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ 2 पर यूनिट, स्क्रैप मतलब नॉर्मल लॉस को जिसमें हम लोग बेच सकते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस एंड यूनिट ट्रांसफर टू नॉर्मल लॉस सॉरी प्रोसेस 2 अकाउंट। अच्छा, एग्जाम्पल 3 यहाँ पर करते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल 2 कर लेंगे, ये वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 किया शायद, एक सेकेंड लिख लेते हैं बाद में, पता नहीं चला, एग्जाम्पल 1 का, प्रोसेस 1 अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला, ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट,
अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं, इतना डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में लिखना जरूरी है। अच्छा देखो, सबसे पहले मेटेरियल इशू हुआ है 40,000 टू मेटेरियल 40,000। अच्छा उसके बाद बोल रहा है वेजेस 30, मैन्युफैक्चरिंग ओवर है 27,000 टू वेजेस 30,000 टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, तो बाय नॉर्मल लॉस ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट। अच्छा इनपुट पता होना चाहिए कितना है, 5,000 यूनिट यहाँ पर दे दिया था, लिख लेते हैं। ये यूनिट का कॉलम होगा, ये अमाउंट का, यूनिट अमाउंट। शॉर्टकट लेकिन यूज नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं। 5,000 इंटू 5% 250, इसका स्क्रैप वैल्यू बोला था। ये देखो 4550 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड, आउटपुट हो रहा है 4550। अच्छा तो यहाँ पर हम लिखते हैं आउटपुट, यानी आउटपुट कहाँ जाएगा, प्रोसेस टू में जाएगा, क्योंकि दो प्रोसेस है तो ऑब्वियसली प्रोसेस वन बना रहे हैं, तो आउटपुट जो है प्रोसेस टू में जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें बोला है आउटपुट इस प्रोसेस का है 4550, लिख लिया मैंने। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है और रियलाइजेबल वैल्यू है 2 per unit करके, मतलब ये यूनिट हम लोग का एट द रेट ऑफ 2 करके सेल हो जाएगा, मतलब रिकवरी कितना होगा, 25 × 250 होता है, यानी 500 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इधर 5000 यूनिट, यहाँ पर टोटल करेंगे 4 और 3 7 7 8 9 97,000, ठीक है। इधर हम लोग का 97,000 अगर होगा तो यहाँ पर देखना पड़ेगा बैलेंस करने से कितना आ रहा है। अब इधर अगर टोटल करोगे तो देखो एक प्रॉब्लम दिखेगा, क्या हो रहा है, 4550 प्लस 250 बैलेंस नहीं हो रहा है, इधर आ रहा है 4800, इधर आ रहा है 5000, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 का। अब ये क्यों आ रहा है, देखो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें बोला है कि प्रोसेस वन, अगर प्रोसेस वन का हम लोग सिर्फ यूनिट का चेक करें, कितना यूनिट इनपुट दिया हम लोगों ने, 5000। अच्छा लॉस कितना हुआ, लॉस नॉर्मल लॉस 250 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को आउटपुट कितना मिलना चाहिए, माइनस करने से ही पता चलेगा। ये देखो 5000 माइनस 250, तो ये हमें आउटपुट मिलना चाहिए 4750, बट क्वेश्चन हमें बोल रहा है आउटपुट मिला है 4550, इसका मतलब नॉर्मल लॉस के अलावा भी कुछ लॉस हुआ है। सोचो ये क्या हो गया, ये डेफिनेशन से पता चल जाएगा। देखो ये क्या हुआ, बोल रहा है इफ एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस को हमें पता है 250 यूनिट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल लॉस फाउंड एट द एंड इज मोर देन द लॉस एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्चुअल लॉस 250 नहीं, ये एक्सपेक्टेड लॉस है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस होता है, एक्सपेक्टेड लॉस हम लोग का 250 है, लेकिन एक्चुअली हम लोग का लॉस जो है 250 से भी ज्यादा हो गया है, तभी तो हम लोग का कितना ज्यादा हुआ है। ये देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 200, ठीक है। इसका मतलब लॉस हम लोगों ने सोचा था कि 250 का होगा लेकिन और भी 200 का हो गया, तो ये जो एक्चुअल लॉस जो है वो अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, एक्सपेक्टेड था 250 एक्चुअली हुआ 450 दोनों मिला के, तो जितना एक्स्ट्रा हो गया वही हम लोग का एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 200 यूनिट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग इधर आ रहा है तो लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस, ये हमें बैलेंस करके मिल गया, ठीक है, बैलेंस करके मिल गया। अब अगर इसका टोटल करेंगे तो 5000 आ जाएगा। अब यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो ये जो 5000 यूनिट है उसमें से 250 नॉर्मल लॉस हुआ जिसका मार्केट स्क्रैप वैल्यू 2 रुपीज करके हो गया। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कैसे होगा, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, यानी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट यानी फिनिश गुड्स का, मतलब यहाँ पर जो फिनिश गुड्स है नॉर्मल आउटपुट का हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 97,000 का तो खर्चा किया, 500 हम लोग का रिकवरी पर, ये लेकिन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने में मुझे टाइम लगेगा इसलिए मैं अवॉइड करें। तुम लोग चाहो तो थोड़ा स्पीड में लिखो या जगह रख दो, लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कॉस्ट 97,000 इनकट हुआ था लेकिन 500 हम लोग रिड्यूस कर पाए क्योंकि हम लोग का स्क्रैप मार्केट में सेल हो गया। 5000 यूनिट हम लोगों ने इनपुट दिया था लेकिन
नॉर्मल आउटपुट हम लोग का कितना आया, नॉर्मल आउटपुट आया 4550, तो ये कैसे माइनस करेंगे, -250 -200 नॉर्मल आउटपुट, यानी जो ट्रांसफरेबल है या फिर जो फिनिश गुड्स बन रहा है। अब ये ट्रांसफरेबल ये इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट प्रोसेस है, उसके बाद प्रोसेस टू है, अगर ये लास्ट प्रोसेस होता तो ये फिनिश गुड्स होता। अब देखते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, ये तो 4550 आएगा नीचे, 97,000 -500 डिवाइडेड बाई 4550, तो ये हो गया 21.2, देखो 21.208, ठीक है। तो रुपीज इतना पर यूनिट। अब फिर से सेम इशू, क्या इशू क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग का इतने सारे डिजिट्स आ गए। अगर तुम लोग सिर्फ 21.20 लेके कैलकुलेट करोगे ना, तुम लोग घर पे करके देखना कि अगर हम ये पूरा डेटा नहीं लेते हैं तो मैच नहीं होगा, ठीक है। अभी भी हम दिखा देते हैं, जैसे हम ये पूरा डेटा लेके करेंगे, इंटू 200 कितना आ गया, 4241, ठीक है, 4241 इतना आ रहा है, एक सेकेंड, 4241, चलो यही लिख लेते हैं, देखते हैं टैली होगा कि नहीं। 4241.7 है तो 4242 लिखते हैं, चलो 4242 लिखते हैं। अच्छा अब इसका कैसे करेंगे, अभी देखो मैंने दोबारा से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिक है। अभी मैंने 200 मल्टीप्लाई किया था, 200 डिवाइड कर दो तो वही डेटा मिल गया, देखो सेम डेटा आ गया यहाँ पर, इंटू 4550 कर दो, ठीक है, कितना आया 96,500, तो मैंने लिख लिया 96,500। अच्छा अब टोटल करके देखते हैं 97,000 आता है कि नहीं, 96,500 प्लस 500 प्लस 4242, ये ज्यादा कैसे हो गया, एक मिनट क्या गलत लिख दिया मैंने, 200, अच्छा फिर से एक बार चेक करते हैं, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया, एक सेकेंड, 97,000, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर ये भी माइनस कर दिया, ये नहीं माइनस करना, ये गलत हो जाएगा, ये माइनस नहीं करना, -500 ये आ रहा है, 96,500 डिवाइडेड बाय 5,000 -250, तो ये हो जाएगा 4750। बताते हैं वो क्यों नहीं माइनस, बता देते हैं, एक बार लिख लेते हैं, पहले 96,500 -4 डिवाइडेड बाय 4750, 20.31 पर यूनिट, ये तो अप्रोक्सीमेट आ रहा है। अब मुझे इस पे मल्टीप्लाई कर लेना है 200, तो ये आ जाएगा 4063, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4063, डिवाइडेड बाई 200 करेंगे, फिर से वही डेटा मिल जाएगा, इंटू 4550, तो ये कितना आ गया, 92,436, 92,436, ठीक है। अच्छा अब इसका टोटल करते हैं, 92,436 प्लस 4063 प्लस 500, तो ये हो गया 96,999, तो इसको हम लोग 7 या इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है, इसको 7 कर लेते हैं, इसको कोई भी एक चेंज कर दो, तो जो 999 आ रहा है दोनों साइड जीरो हो जाएगा। अगर तुम लोग 20.31 से करोगे ना तो आंसर मैच नहीं होगा, देख लो, जैसे कि 200 इंटू 20.31, तो देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 4062, यहाँ 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, और अगर हम लोग 4550 इंटू 20.31 करते हैं तो 92410 आ रहा है, तो काफी डिफरेंस आ जा रहा है, जहां पर हमारा होना चाहिए 92437 410 आ रहा है, तो लगभग 27 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर मैच नहीं होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो भी डेटा आएगा पूरा लेके करना है, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे तुम लोग कि कैसे करके नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो एबनॉर्मल लॉस जितना यूनिट होगा इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, एबनॉर्मल लॉस को भी माइनस कर दिया था, उससे आंसर मैच नहीं हुआ, लेकिन समझना भी जरूरी है एबनॉर्मल लॉस माइनस क्यों नहीं होगा यूनिट का, वो भी बता देते हैं, देखो क्यों नहीं माइनस होगा।
क्योंकि देखो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास हम लोगों ने 10 यूनिट का मान लो कुछ परचेस किया है सेल करने के लिए, जिसको हम लोगों ने मान लो 12 रुपीस करके परचेस किया है, रुपीस 12 पर यूनिट करके परचेस किया है जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, तो हम लोगों ने 120 रुपीस का खर्चा किया प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, उसमें से 2 यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों के लिए सेलेबल यूनिट अवेलेबल है 8 यूनिट, तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, नॉर्मल लॉस का हम लोग कभी भी वैल्यूएशन नहीं करेंगे। रुपीज 120 आ गया, हम समझाते हैं क्या हुआ, यानी कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का कितना करके आ गया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया 120 डिवाइडेड बाई 8, 15 रुपीज करके। मान लो हम लोगों ने ऑरेंज ही लिया है, ठीक है, ऑरेंज परचेस किया है सेल करने के लिए 10 पीसेस, ठीक है, उस 12 रुपए करके, 120 रुपीस का 2 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया, 2 पीसेस नॉर्मल लॉस हो गया, हम लोग 8 यूनिट ही सेल कर पाएंगे। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो हम लोग सेल कर पाएंगे उसका कॉस्ट कितना हुआ, तो उसका कॉस्ट 15 रुपीस हो गया। जो प्रोडक्ट हम लोगों ने 12 रुपीस पर यूनिट करके परचेस किया था उसका प्राइस हम लोग सेल करने के पहले चेंज होके 15 पर यूनिट हो गया, बिकॉज ऑफ गुड्स इनहेरेंट नेचर, क्योंकि 2 हम लोग का लॉस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस पे प्रॉफिट लगा के आराम से बेच सकते हैं। अब मान लो इस पे हम लोगों ने प्रॉफिट लगा दिया 5 रुपीस का, तो हम लोग 20 रुपीस करके सेलिंग प्राइस रख रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट हो गया। अब अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ, देखो हम लोगों ने 12 पर यूनिट करके परचेस किया 120 रुपीस का जो है टोटल ऑरेंज, ठीक है, उसमें से हम लोग का 2 यूनिट नॉर्मल लॉस हुआ जिसका हमें वैल्यूएशन नहीं करना है। अब वैल्यूएशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल लॉस सभी फ्रूट सेलर का होगा, कोई अकेला मेरा नहीं होगा या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होगा। तो मार्केट में अगर नॉर्मल लॉस सभी का है, सभी का लगभग एक ही जैसा होता है नॉर्मल लॉस, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो नॉर्मल लॉस की वजह से हम लोग जब प्रोडक्ट का प्राइस 12 रुपीज पर यूनिट के जगह 15 रुपीज पर यूनिट रख के उस पर प्रॉफिट लगाते हैं, ये सभी कोई करेगा, तो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट भी बिकेगा बाकी लोगों के तरह, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं, नॉर्मल लॉस का तो वैल्यूएशन नहीं करना है, अब मान लो मेरा और भी यहां पर 3 यूनिट जो है हो चुका है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, 3 यूनिट हो चुका है एबनॉर्मल लॉस, तो 3 यूनिट का भी मैंने वैल्यूएशन नहीं किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये मेरे पास कितना यूनिट जो है सेल करने के लिए अवेलेबल है, 5 यूनिट, ठीक है, माइनस करने से 10 यूनिट था, 5 यूनिट लॉस हो गया, 5 यूनिट है जिसका प्राइस है 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 5 करके देखते हैं कितना है, 24 रुपीज 24 पर यूनिट हो गया। अब अगर हम बोलेंगे कि हम इस पे 5 रुपीज जो है प्रॉफिट लगा के सेल करेंगे, तो मेरा एक एक ऑरेंज का प्राइस 29 हो गया, अब कोई मेरे से नहीं परचेस करेगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में ये प्राइस 20 के आसपास है, 29 नहीं है। मेरे से क्या गलती हुआ, मैंने अपने एबनॉर्मल लॉस को भी यहां से हटा दिया, ठीक है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस तो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए नहीं है, बिजनेस का इनहेरेंट नेचर नहीं है, एबनॉर्मल लॉस तो मेरे मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ होगा, ठीक है, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। देखो एक तो ऑर्गेनाइजेशन का मिसमैनेजमेंट हो सकता है, केयरलेसनेस हो सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस तरीके का चीज जो हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते थे बट नहीं किए। अकाउंटिंग जो मतलब सिस्टम है उसके हिसाब से एबनॉर्मल लॉस को यही बोला जाता है कि आप अगर चोरी रोक सकते तो आपका ये नहीं होता। मतलब सीधा बात यह है कि अगर किसी तरीके से एक्सीडेंटल लॉस हो रहा है तो वो हमें खुद बेयर करना पड़ेगा। मतलब ये 3 यूनिट का भी अगर हम लोग वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हमारा प्राइस बढ़ गया 24 पर यूनिट करके, मार्केट में कोई परचेस नहीं करेगा क्योंकि हमारा ओवर प्राइस्ड हो जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लॉस हमें खुद से बेयर करना पड़ेगा, ये लॉस हमें खुद से बेयर करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा कॉस्टिंग पीएल में। इसे लॉस मान के भूल जाओ, इसके लिए हम लोग प्राइस नहीं बढ़ा सकते। आज मेरे शॉप में मान लो हम जो है, मेरा एक ग्रॉसरी शॉप है, हम बिस्किट्स वगैरह ये सब सेल करते, मेरे दुकान पे चोरी हो गया, तो जो बिस्किट हम 10 रुपए में बेच रहे थे कल से 15 रुपए में बेचने स्टार्ट कर दिए, तो कौन मेरे से खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में सेम बिस्किट 10 रुपए में मिल रहा है। मेरे चोरी से जो मुझे लॉस हुआ है वो मुझे खुद बेयर करना पड़ेगा, वो कोई और कस्टमर नहीं बेयर करेगा। हम क्या करें, कस्टमर पे चार्ज कर रहे हैं, 10 का चीज 15 में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना है, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो मुझे उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो 12 रुपीज करके एक एक पीस था, तो 3 पीस का 36 रुपीज, तो यहां पर देखो 120 माइनस 36, तो ये कितना हो गया 84 रुपीज। इसका मतलब मेरे पास 84 रुपीज का जो है, हम बोलेंगे मेरे पास 84 जो है मेरा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, कितने यूनिट के लिए, अब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा,
84, ठीक है, ये हम पूरा का पूरा जो है पीएल में चार्ज कर देंगे, ठीक है 84, और ये मेरा सेलेबल यूनिट कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 84 डिवाइडेड बाय 5 16.8 हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर मुझे ये भी तो माइनस करना पड़ेगा, ये देखो 10 माइनस 8, एक सेकेंड, ये कितने से डिवाइड करेंगे फिर हम लोग, 10 माइनस 8, 10 माइनस 2, 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 84 डिवाइडेड बाई 8 यानी 10.5 करके हो जाएगा, ठीक माइनस किया है मैंने, 120 माइनस 36 यानी कि 84 आ रहा है, ठीक है 84 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8, 10.5, ठीक है 10.5 आ जा रहा है। अच्छा ये मिसमैच क्यों हो गया, ये तो 15 ही आना चाहिए, एक सेकेंड रुको देखते हैं, 10 यूनिट 12 रुपीज करके 120, और यहाँ से मैंने 2 लेस किया तो 8, और ये मैंने यहाँ से 36 को लेस कर दिया तो ये मेरा 3 भी लेस हो जाना चाहिए, तो मुझे 5 से अगर, एक सेकेंड, हम अगर 5 यूनिट से डिवाइड करते हैं तो मेरा तो 16.8 आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जा रहा है, डिवाइड, एक सेकेंड, 84 ये अगर हम नहीं करते हैं तो मेरा 29 हो जाएगा, वो पहले जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ रहने देते, 120 डिवाइडेड बाय मैंने 5 किया तो मेरा 24 करके आ जा रहा है, ठीक है ये नहीं चलेगा क्योंकि इतना हम लोग कस्टमर पे चार्ज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल जो कंसेप्ट है उसी में रहना पड़ेगा, तो हम लोग का 120 को 3 यूनिट हम लोग बेचेंगे, 3 यूनिट का कैलकुलेशन ही हटा देंगे, ठीक है तो ये हम लोग का पूरा जो है लॉस पीएल में चार्ज हो जाएगा, तो 120 यूनिट में से 36 रुपीस का हम लोग हटा देंगे, 120 रुपीस से 36 हटा देंगे, मतलब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग के पास स्टॉक कितने का, 84 रुपीस का है और सेलेबल है 8 यूनिट, हाँ ठीक ही हो रहा है 8 यूनिट, तो डिवाइडेड बाय 8 करने पे आ गया 10.5 पर यूनिट करके, लेकिन एक इश्यू हो जा रहा है यहाँ 15 ही तो होना चाहिए, इसका भी तो रेट पर यूनिट 15 ही आना चाहिए, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं वो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, यहाँ कुछ मेरा एक एग्जांपल लेने में शायद गलती हो रहा है लेकिन कंसेप्ट देखो समझ में आ गया, हम देखते हैं ये वाला कैसे ठीक किया जाता है, 15 ही होना चाहिए हम ये बोलना चाह रहे, देखो तो मैंने क्या किया था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जो है नॉर्मल आउटपुट का कॉस्ट निकालने के लिए मैंने जो है एबनॉर्मल लॉस का यूनिट लेस किया था बट उसका कॉस्ट तो लेस नहीं किया था, बात समझो, तो एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस का हमें यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट, यहाँ पर नॉर्मल आउटपुट का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉर्मल लॉस का जो आउटपुट है वही हम लोग माइनस करेंगे, मतलब हम लोग सिर्फ 2 यूनिट को लेस करेंगे, 3 यूनिट को लेस नहीं करेंगे, मतलब 8 से डिवाइड करना पड़ेगा वही हम बोल रहे हैं, ठीक है तो कॉस्ट इनकट कितना हुआ 120, अच्छा ये 36 भी तो हमें नहीं लेना चाहिए, ये देखो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कॉस्ट इनकट, टोटल कॉस्ट इनकट कितना 120, हम लोग का स्क्रैप वैल्यू तो कुछ रियलाइज्ड है नहीं, ठीक है और हम लोग का यहाँ पर कितना यूनिट जो है हम लोग के पास जो है सेलेबल यूनिट कितना हुआ 10 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 8, हाँ ऐसे करना चाहिए मुझे, तब जाके देखो हम लोग का वही प्राइस निकल के आएगा, वही प्राइस आना चाहिए ना, ये देखो उसी के लिए तो हम लोगों ने किया 15 पर यूनिट करके आएगा 120 डिवाइडेड बाई 8 यानी मार्केट के साथ बैलेंस हो गया, तो कंसेप्ट क्या हुआ, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं इसी के वजह से, तो ये देखो इसीलिए तो हम लोग का क्या हुआ यहाँ पर 15 रुपीज करके पर यूनिट हुआ, ये सभी का होगा, सभी फ्रूट सेलर का होगा क्योंकि नॉर्मल लॉस सभी कस्टमर पे जो है एब्जॉर्ब करवाने का कोशिश करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस में यानी कॉस्ट में इनकट करेंगे तो सेलिंग प्राइस में वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस की वजह से हम लोग अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस को पूरा पूरी हमें कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें क्या मानना है कि हम लोगों ने 120 रुपीज का एक्सपेंसेस किया, ठीक है और उसमें से हमारे पास कितना सेलेबल यूनिट है 8 यूनिट, ठीक है 120, और अगर मेरा कुछ स्क्रैप होता इस नॉर्मल लॉस का तो वो स्क्रैप यहां से माइनस हो जाता, तो अगर गलती से भी मैंने क्या किया था, मैंने वहां पर कैलकुलेशन पे ये कंसेप्ट कर दिया था, अगर इसके बेसिस पे दिखाया मैंने किया था ऐसे 120 कॉस्ट इनकट स्क्रैप वैल्यू जो था वो मैंने दिखाया यहां पर नहीं है, मैंने किया 10 माइनस 2 माइनस 3, इससे क्या होगा अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5
तो 24 हो गया, कॉस्ट बढ़ गया, वही हम बताना चाह रहे थे, ऐसे करने से तो 24 हो जाएगा। और कॉस्ट अगर बढ़ गया तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल होगा, क्योंकि मैंने अपने एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट बढ़ाया, जो बाकी लोग नहीं बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि सभी का एबनॉर्मल लॉस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग का यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो हम लोग नॉर्मल लॉस को, नॉर्मल लॉस के यूनिट को लेस करेंगे और स्क्रैप वैल्यू को यहाँ से लेस कर सकते हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और यहाँ पर मैंने एबनॉर्मल लॉस का यूनिट को भी लेस कर दिया था, तो इसीलिए मेरा गलत आंसर आ रहा था, ठीक है। तो सिर्फ बता देने से ऐसे मुझे नहीं लगता है समझ में आता, इसीलिए क्यों मैंने यहाँ से हटाया, तो ये मैंने आंसर देखा गलत हो रहा है, तो ये गलत कंसेप्ट हो जाता ना, तो इसीलिए ये वाला चीज यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये चीज तुम लोग कंसाइनमेंट में भी देखोगे, कंसाइनमेंट में भी सेम चीज होता है कि नॉर्मल लॉस का सिर्फ यूनिट लेस होगा, एबनॉर्मल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसका रीजन बस इतना सही है, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करने जाने से ही प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और एबनॉर्मल लॉस की वजह से कोई भी कस्टमर हमें एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगा, नॉर्मल लॉस की वजह से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये सभी का होगा, उस बिजनेस में, उस सेक्टर में वो लॉस सभी का हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट हो गया। तो हमें बोला था वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करो, एबनॉर्मल लॉस का यूनिट कैलकुलेट करो और ट्रांसफर टू प्रोसेस टू दैट दिखाने के लिए बोला था, ठीक है। तो हम लोग का इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं कि कितना ट्रांसफर होगा। तो देख लेते हैं आंसर हम लोग का क्या क्या है। वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस तो ये है 500, तुम लोग लिख लो अलग अलग करके। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस 4063, वैल्यू ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 92,437, ठीक है, 92,437। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये मिडिल का एक रह गया, अगर तुम लोग चाहो तो ये खुद से भी कर सकते हो, एग्जाम्पल टू नॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू, कुछ नहीं आराम से कर पाओगे, यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू लिख देना जो होगा, तो ये कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एबनॉर्मल गेन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट ये पहले सीखेंगे, उसके बाद बाकी कोई भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।